अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये वीडियो देखकर ये सोच रहे हो कि गूगल अर्थ आपको आपका घर या फिर कोई भी जगह 3D में दिखा देगा तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हो हाँ तो शायद आपका घर आपको 3D में दिख जाए, मगर हर मुल्क भी इसके अंदर 3D में नहीं दिखता। मगर ऐसा क्यों? असल में आपको जितना भी गूगल अर्थ का 3D वर्ल्ड दिखता है वो फ्रेम और फोटोज के ऊपर मुश्तमिल है, जिनको निचली सतह पे उड़ते हुए एक जहाज से खींचा गया है और वो जहाज अभी तक पूरी दुनिया में नहीं उड़ा। दूसरे लफ्जों में गूगल के पास हाई रेजोल्यूशन 3D डेटा वर्ल्ड का नहीं है, और अगर एस्टिमेट लगाएं तो टोटल 1000 प्लेन मिलकर 12 साल के अंदर पूरे अर्थ का हाई रेजोल्यूशन 3D डेटा निकाल सकते हैं। मगर न्यूज के मुताबिक गूगल अब इस गूगल अर्थ प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा। मगर गूगल ने डेवलपर्स को ये इजाजत दे दी है कि गूगल अर्थ में एक प्राइवेट एरिया बनाए और उसी के अंदर अपने यूजर्स को काम दे। मगर गूगल अर्थ का इंडिया के साथ थोड़ा अलग ही रिलेशन। गूगल अर्थ वालों ने अपना गूगल प्लान इंडिया की तरफ भेजा था 3D वर्ल्ड सेटअप करने के लिए, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और यही वजह है कि आज ताजमहल जैसी एक इंटरनेशनल प्लेस भी गूगल अर्थ पे 3D में मौजूद नहीं। आपकी स्क्रीन पर अभी कुछ एरियाज आ रहे होंगे, ये वही एरियाज हैं जिनका गूगल अर्थ अभी तक 3D मॉडल बना चुका है, और अगर आपका मुल्क इनमें से एक नहीं है सो बाय बाय टू द एड्स।